इस्लाम जब हिंदुस्तान आया तो इस्लाम से बहुत लोग प्रभावित हुए, क्योंकि इस्लाम का सिद्धांत है इक्वालिटी। क्या मोची और क्या कलेक्टर, अगर मोची पहले मस्जिद के अंदर पहुंच गया है तो वो आगे खड़ा होगा, और कलेक्टर बाद में आया है तो वो पीछे खड़ा होगा। अब ये बात इस देश के समाज को आकर्षित करेगी कि नहीं करेगी? और दूसरी तरफ ब्राह्मण हिंदू धर्म का समाज, अगर पुरोहित और सामंत आ गए तो इस मोची को खींच के पीछे कर देंगे और मारेंगे अलग से, तो ये इससे आकर्षित होने लगेगा।